अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्षेत्र यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान फाइनली इन द सेमीफाइनल एंड एट द सेम टाइम दे हैव प्रूव मी रॉन्ग और पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर नहीं हुआ थैंक्स टू नेदरलैंड। नेदरलैंड आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने क्या फैंटी लगाई साउथ अफ्रीका को और फिर साउथ अफ्रीकन्स यू लिफ्ट इट अप। आई एम नॉट गोना से दिस वर्ड चोकर बट यू हैव लिफ्ट इट अप टू इट और आपने ये साबित कर दिया कि बना बनाया टूर्नामेंट सामने पड़ा प्लेटे पड़ा हुआ था लेके डेवेस्टेटिंग परफॉर्मेंसेज बाय एवरीवन। किसी टीम ने डोमिनेट नहीं किया इस टूर्नामेंट में, सारे ही बुरे खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, इंग्लैंड लुकिंग एट नॉट लुकिंग एट इज बेस्ट, पाकिस्तान हैज प्लेड द बेस्ट क्रिकेट बट टूडे इन लास्ट टू मैचेस पाकिस्तान हैज डन वंडर्स। अब मसला ये रह गया कि हमने इंडिया से दोबारा मिलना है कि नहीं। हाँ जी, आप कह रहे थे हम बाहर हो गए हैं, अभी ठहर जाएं, अभी आपसे दोबारा मिलना है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल पहुंचती है या कहीं सेमीफाइनल में दोनों बाहर होते हैं तो बड़ा मजाक पड़ जाएगा। बट अगेन आई एम सेइंग दैट के इंशाल्लाह पाकिस्तान इज ए सेमीफाइनल नाउ और पाकिस्तान नीड्स टू विन अगेंस्ट। अब डिपेंड करता है कि इंडिया कैसे खेलना चाहता है, जीतता है तो इंग्लैंड से, हारता है तो न्यूजीलैंड से। पाकिस्तान इज गोन अप अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो हमसे घबराते हैं। अब देखें क्या बनता है। सो अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होता है और न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भी यही है, पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। सेमीफाइनल से बहुत फंसते हैं, बहुत हारते हैं हमसे। बट अगेन पाकिस्तान हैज़न्ट प्लेड द बेस्ट क्रिकेट, बट ओपनर्स की बात करें हमारे ओपनर्स फंस के खेल रहे हैं। बाबर के पास अच्छा चांस था, अच्छा आराम से खेलता है।